हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस गॉर्जियस। मैं हूँ अमनदीप एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लकी गर्ल सिंड्रोम। लकी गर्ल सिंड्रोम टर्म आपने सुनी होगी आजकल, बट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, लेट मी ब्रेक इट टू यू इन वेरी इजी सिंपल वर्ड्स। सो लकी गर्ल सिंड्रोम इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट दैट हाउ कैन वी कन्विंस आवर माइंड दैट वी आर द लकीएस्ट पर्सन। इट इज़ वेरी ईजी। बेसिकली वी हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, नॉट फेक पॉजिटिविटी, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट एट ऑल। यू हैव टू स्टे इन दैट पॉजिटिव स्टेट दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, वट एवर हैपनिंग इन योर रियालिटी, इन योर 3D रियालिटी, यू हैव टू बिलीव दैट एवरी थिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक। सो बेसिकली हमें इस माइंड सेट में रहना है कि सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो मे बी लाइक अगर आप देख रहे हैं कि आप अपनी जॉब में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, या अगर आपको कोई पसंद है, आपका स्पेसिफिक पर्सन, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, और यू वुड लाइक टू मैनिफेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी बट मनी नहीं आ रहा है, उल्टा ज़्यादा खर्चे होते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। दिस इज़ आर 3D रियालिटी, बट वी हैव टू कन्विंस आर सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली वी ऑल नो वी हैव कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, सो ये बिलीव हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलवाना है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ दी मोस्ट पावरफुल वन। 90% पावर जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होल्ड करता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई आइज नहीं होती है, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि रियल में क्या हो रहा है, क्या उसको दिखाई दे रहा है। जो हम उसको अगेन एंड अगेन फीड करते हैं वो चीज़ हमारी रियलिटी बन जाती है। अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगेन एंड अगेन फीड कैसे करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट, लाइक आई वांट टू मैनिफेस्ट 1 लाख रुपीज़, ओके। सो मैं बार बार, और मे बी अगर मैं कहूँ कि अभी मेरे पास वो अमाउंट नहीं है, तो वट विल आई डू, मैं अपने माइंड को बार बार कन्विंस करूँगी दैट आई हैव 1 लाख रुपीज़, आई हैव 1 लाख रुपीज़, आई एम एन्जॉइंग माई 1 लाख रुपीज़, ओके। एंड इस अमाउंट के साथ मैं क्या करूँ, बी स्पेसिफिक, जितना आप स्पेसिफिक हो सकते हैं। आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम हेल्पिंग अदर्स, आई एम हेल्पिंग माई फैमिली, आई एम यूजिंग दैट मनी टू इन्वेस्ट समवेयर। सो जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक डिटेल में अपने माइंड को समझाइए कि वो पैसा, वो अमाउंट आपको मिल चुका है, एंड अब आप उस अमाउंट का करेंगे क्या, वो भी सोच के रखिए। और जब आप अमाउंट मिल जाएगा और जब आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए वो आपको सच में मिल चुका है, तो आप कैसा फील करेंगे एंड आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर वो चीज़ आपके पास सच में आ गई है और आप सच में अपनी पसंद की चीज़ों को शॉप कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, अपनी मनी अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रहे हैं किसी भी वे में, सो हाउ विल यू फील, एंड वो फीलिंग को फील करिए एंड होल्ड दैट फीलिंग, उस फीलिंग को अच्छे से महसूस करिए और वो फीलिंग को अपनी बॉडी में पूरी तरह से अच्छी से जाने दीजिए, वो वाइब्स को फैलने दीजिए। एंड अब हमें समझ आ गया कि व्हाट इज़ आर डिज़ायर्ड स्टेट। तो अभी हमें पता है रियलिटी में वो अमाउंट नहीं है, बट हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। बेसिकली आर थॉट शेप आर रियलिटी, एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू चेंज इन आर रियलिटी वी हैव टू चेंज आर थॉट्स फर्स्ट। सो अब हमने अपने थॉट्स पे बिलीव करवाना है दैट आई हैव दिस अमाउंट, आई एम एन्जॉइंग दिस अमाउंट, आई एम एन्जॉइंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट। तो हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और हम लोग एफर्मेशंस कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में लाइक यू कैन जर्नल, यू कैन राइट दैट थिंग डाउन अगेन एंड अगेन दैट थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़, थैंक यू गॉड आई एम एन्जॉइंग दैट अमाउंट ऑफ मनी। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, विच एवर लैंग्वेज इज़ कम्फर्टेबल टू यू, यू कैन राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आपको स्क्रिप्टिंग नहीं पसंद, यू कैन गो फॉर एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स टू मैनिफेस्ट थिंग्स, इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट टेक्निक्स। सो बेसिकली एफर्मेशन में आपको बार बार ये बोलना है दैट आई एम एन्जॉइंग माई मनी, आई नो आई हैव मनी। लाइक अगर आपको कोई आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स आकर बोले नो यू डोंट हैव दैट मनी, तो यू हैव टू टेल देम प्लीज़ आई हैव दैट मनी, आई एम एन्जॉइंग माई मनी। तो आपको एक तरह से अपने माइंड को कन्विंस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको टेक्निक्स बताई, एफर्मेशंस आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप एफर्मेशंस उस टाइम करिए जब आप अच्छा फील कर रहे हो अपने बारे में। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, हमें उस डिज़ायर्ड रियलिटी में रहना है, हमें खुश रहना है, तो आपने मिरर में देख के खुद को बोलना है आई एम एन्जॉइंग माई मनी, आई लव स्पेंडिंग मनी, आई लव मनी, मनी आई एम अ मनी मैगनेट, मनी लव्स मी, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलनी है। यूजुअली लोगों का मनी को लेकर बहुत नेगेटिव माइंड सेट होता है,
हमें उसको पॉजिटिव लाइट में लाना है. इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग वी हैव टू ब्रिंग इट इन पॉजिटिव लाइट. सो वी हैव टू टेल नो मनी लव्स यू, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस. इज मनी कितनी चीज़ों का सॉल्यूशन होती है. मनी गिव्स अस एजुकेशन, मनी गिव्स अस फूड, मेडिकल हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करती है. तो हमें उसे एक अच्छी लाइट में सोचना है कि मुझे ये पैसा मिलेगा तो मैं उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ. एंड द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट समथिंग इज़ वेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्किंग द मोस्ट. एंड वेन इट हैपन्स वेन यू आर अबाउट टू स्लीप और या जब आप सुबह सुबह उठते हो बट आप एक प्रॉपर तरीके से उठे नहीं होते हो तो आप थोड़े से उस डिजी वाली स्टेट में होते हो. तो उस टाइम हम अपने सबकॉन्शियस को कुछ भी फीड करें ना तो वो बहुत जल्दी वर्क करता है. तो सोने से पहले जस्ट थिंक से थैंक यू दैट आई हैव दैट मनी. इमेजिन करिए अपने आप को उस मनी के साथ. एक इमेज क्रिएट करिए, एक ड्रीम क्रिएट करिए कि आपके पास वो पैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं. सुबह उठें तो भी आप ऐसे फील करिए. बाकी पूरे दिन में आप स्क्रिप्टिंग एफर्मेशंस जो आपको अच्छा लगता है जस्ट चेज योर हैप्पीनेस, स्टे हैप्पी. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा. अगर आप लो वाइब्रेशन में रहकर हाई वाइब्रेशन चीज़ कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको उसके सेम लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे आना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग इनटू योर रियलिटी. एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टे हैप्पी, स्टे चेयरफुल. सो दिस इज हाउ लकी गर्ल सिंड्रोम वर्क्स बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 feet के हैं एंड अगर आपको हाइट चाहिए 5 feet 5 inches, यू नो दैट 5 feet इज योर रियलिटी, दिस इज योर हाइट. यू कैन सी दैट इन मिरर. People make fun of you, they make jokes about your height. Ignore it. Ignore that outside noise if you want to manifest. Just feel. See yourself in the mirror and feel that you are 5 feet 5 inches and how you're feeling now. How you're feeling. Just stay in that feeling and you can manifest anything. And it works in everything, whether it is about your appearance, your money, your specific person, your job, your career, your happiness, anything. You can manifest anything if you stay delusional. That is the motto. Stay delusional. Let them say whatever they want to say. Just ignore it and just stay happy. Believe in your reality. Stay in that reality. If you can stay in that reality, यू कैन मैनिफेस्ट इट. अगर आप अपने डिज़ायर्ड स्टेट में रह सकते हो, अगर आप अपने आप को बार बार इमेजिन करा सकते हो, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बिलीव करवा सकते हो तो वो चीज़ आपकी रियलिटी बन सकती है जस्ट लाइक दैट. बट फॉर दैट यू नीड सम प्रैक्टिस. आपको अपने माइंड को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा माइंड को शेप करना पड़ता है. एंड स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू मैनिफेस्ट. तो ट्राई मैनिफेस्टिंग स्मॉल थिंग्स. जैसे एक फ्लावर मैनिफेस्ट कर लिया, एक कॉफ़ी का कप मैनिफेस्ट कर लिया, कुछ भी, एक फ्रेंड का टेक्स्ट मैसेज आपने मैनिफेस्ट कर लिया. ट्राई विथ स्मॉल थिंग्स ताकि आपका बिलीफ ग्रो हो. देन यू कैन मैनिफेस्ट बिग थिंग्स. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, नथिंग इज़ टू बिग फॉर दिस यूनिवर्स. अगर आपके लिए 1 lakh rupees बड़ा है या अगर आपके लिए 10 lakh rupees बहुत बड़ा अमाउंट है, बट फॉर यूनिवर्स इट्स नथिंग. इट्स नथिंग. यूनिवर्स में इतना पैसा है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. वो अगर आपको 10 lakh rupees दे सकता है, आपको 10 crore rupees भी दे सकता है. So you have to stay in that desired state. और आप अगर अपनी desired state को hold करना शुरू कर देंगे तो हर चीज़ आपकी reality बन सकती है. So basically हमें limiting beliefs नहीं आने देने. आप अगर new है manifesting में तो आप meditation कर सकते हैं ताकि आपका mind clear हो. Scripting करें बार बार, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बार बार लिखेंगे तो आपके subconscious को believe होने लग जाता है that if you are writing something, you believe in it. बार बार अफर्म करिए, बार बार बोलिए उस चीज़ को मिरर में. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगी. बट यू कैन फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स अभी के लिए. चेंज योर हैप्पीनेस, हैप्पी रहिए. अगर एफर्मेशन करने का मन नहीं है मत करिए, अगर स्क्रिप्टिंग करने का मन नहीं है उस टाइम मत करिए, बस हैप्पी रहिए. चाहे आपको डांस करके हैप्पीनेस मिलती है, आपको कुकिंग करके हैप्पीनेस मिलती है, आपको बुक रीड करके हैप्पीनेस मिलती है, आपको घूमने जाने में हैप्पीनेस मिलती है, बस आपको हैप्पी रहना है और उस चीज़ को बिलीव करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है. ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट टेंस. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड रियलिटी एंड यू कैन बिकम द लकीएस्ट गर्ल. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन सम वे. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मिस गॉर्जियस. बाय गाइज़.